गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही अवेटेड वीडियो है। काफी सारे लोग इस वीडियो की वेट कर रहे होंगे, क्योंकि आज जीएसटी काउंसिल की जो मीटिंग है उसके अंदर काफी सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए गए हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आज जो मीटिंग ओवर हुई है उसके अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए गए हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, बने रहिएगा वीडियो के एंड तक, ताकि आपको भी ये इंपॉर्टेंट डिसीजंस अच्छी तरीके से समझ में आ सके। लेट स्टार्ट द वीडियो। आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे जीएसटी काउंसिल में लिए गए बड़े फैसले। जी हाँ फ्रेंड्स, काफी बड़े फैसले और महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और डिसीजंस जो है वो लिए गए हैं आज की मीटिंग के अंदर। आज हम लोग एक एक करके देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे डिसीजंस हैं जो कि आपको डायरेक्टली इंपैक्ट करने वाले हैं। वीडियो पे आगे चलने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया तो वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए, क्योंकि मैं गारंटी देता हूं आपको ये वीडियो पसंद आने वाली है और आप वीडियो की भावनाओं में खो जाएंगे और आप वीडियो लाइक करना जो है वो भूल जाएंगे। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल भी दबा लीजिएगा, ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहे। तो सबसे पहला जो सबसे मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट अपडेट निकल के आ रहा है जीएसटी काउंसिल की मीटिंग से, वो है डेट एक्सटेंशन से रिलेटेड। जीएसटी काउंसिल एक्सटेंड्स डेट फॉर फाइलिंग GSTR 9, GSTR 9A एंड GSTR 9 फ्रॉम 30 June 2019 टू 30 August 2019 फॉर ऑल द टैक्स पेयर्स। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी एनुअल रिटर्न और जीएसटी ऑडिट फाइनेंशियल ईयर 17-18 के लिए सबके लिए बहुत बड़ा सरदर्द बना हुआ था, क्योंकि उसकी जो डेट है फाइलिंग की 30 जून 2019 है, उसको एक्सटेंड करके अब 30 अगस्त 2019 कर दिया गया है। चाहे आपका ऑडिट हो, चाहे आप सिर्फ एनुअल रिटर्न फाइल करने के लिए लायबल हो, या फिर आप कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर्स हो GSTR 9A फाइल करने के लिए लायबिलिटी जिनकी बनती है, सारे के लिए जो है सबके लिए 30 जून से बढ़ा करके डेट को 30 अगस्त 2019 कर दिया गया है। 2 महीने का एक्सटेंशन दे दिया गया है। तो अब आप अपनी जीएसटी एनुअल रिटर्न जो है 2 महीने के अंदर अंदर फाइल कर सकते हैं। अगर आपको जीएसटी एनुअल रिटर्न रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप हमारी पेड मेंबरशिप की सर्विसेज लेकर के आप अपनी क्वेरीज हमारे साथ सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला अपडेट हो गया डेट एक्सटेंशन से रिलेटेड, जो की है GSTR 9, 9A और 9C का। दूसरा जो अपडेट है वो है जीएसटी रजिस्ट्रेशन To be linked with Aadhaar OTP and new registration will be authenticated based on OTP of Aadhaar. जी हाँ फ्रेंड्स, जब GST registration अभी हम लोग लेते हैं तो उसके अंदर जो documents देना होता है, identity proof, address proof, residential proof, उन सारे चीजों को eliminate करके Aadhaar OTP based registration किया जाएगा GST के अंदर। अगर आपको GST के अंदर नया registration लेना है, आपको सिंपली अपना आधार नंबर डालना है और आधार में ओटीपी जाने के बाद आपकी सारी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएंगी और डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद जो है आधार बेस्ड जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर पैन के बेसिस पे आपको जनरेट करके जीएसटी पोर्टल में जो है रजिस्टर कर दिया जाएगा। इसके लिए एक्ट के अंदर बदलाव किए जाने हैं ताकि रजिस्ट्रेशन लेने में लोगों को परेशानी ना आए। तो आधार बेस्ड रजिस्ट्रेशन, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को ध्यान में रखते हुए ये प्रोसेस को फॉलो किया जा रहा है। ये हो गया दूसरा अपडेट, जो कि रजिस्ट्रेशन बेस्ड ऑन आधार ओटीपी किया जाना है। तीसरा अपडेट है इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइसिंग से रिलेटेड। जी हाँ फ्रेंड्स, ये भी काफी बड़ा अपडेट है, काफी इंपॉर्टेंट अपडेट है। इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइसिंग अप्रूव्ड बाय जीएसटी काउंसिल, नो सेपरेट ई वे बिल विल बी रिक्वायर्ड फॉर ई इनवॉइसेस एंड रिटर्न्स टू बी पॉपुलेटेड फ्रॉम ई इनवॉइसेस। कहने का मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइसेस का जो सिस्टम चलने वाला था उसको अप्रूवल मिल चुका है जीएसटी काउंसिल की तरफ से। अब जिनके ऊपर ये इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइसिंग का जो नियम है वो लागू किया जाएगा, उनको उस बिल के अगेंस्ट जो कि इलेक्ट्रॉनिकली जनरेटेड होगा उसके लिए अलग से कोई ई वे बिल नहीं देना होगा। बहुत बड़ा राहत कि एक बार आपने ई इनवॉइस निकाल दिया तो आपको ई वे बिल देने की जरूरत नहीं है। यहां तक कि आपको जो रिटर्न के अंदर डेटा भरना होता है वो भी आपके ई इनवॉइसेस से ऑटो पॉपुलेट कर दिया जाएगा। तो ये काफी बड़ा डिसीजन लिया गया है ई इनवॉइसिंग से रिलेटेड, ताकि लोगों को एक बार इनवॉइस निकालने के बाद दोबारा से उसी डेटा को ई वे बिल में और GSTR 1 में पंच ना करना पड़े। तो ये हो गया तीसरा अपडेट इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइसिंग से रिलेटेड। चौथा अपडेट है मैंडेटरी ई टिकटिंग फॉर मल्टीप्लेक्सेस। जी हाँ फ्रेंड्स, सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्सेस के लिए जो ई टिकटिंग का जो कॉन्सेप्ट है उसको अब मैंडेटरी कर दिया गया है। दैट मींस जो मल्टीप्लेक्सेस हैं वो अब मैनुअल टिकट्स आपको मूवीज वगैरह के लिए इशू नहीं कर पाएंगे, उनको मैंडेटरली टिकट जो है ऑनलाइन मोड में ही इशू करना है, ताकि जीएसटी की जो चोरी है वो रोकी जा सके। अगला जो अपडेट निकल के आ रहा है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, वो है डेट फॉर ब्लॉकिंग ऑफ ई वे बिल फॉर नॉट फाइलिंग रिटर्न्स हैज आल्सो बीन एक्सटेंडेड बाय 2 months। जी हाँ फ्रेंड, जैसा कि आप सभी को पता है आज 21 जून 2019 है, आज के डेट से ई वे बिल के लिए नया रूल इंप्लीमेंट किया गया था, जिसमें यह बताया गया था कि अगर आपने
अभी तक पिछले दो महीने की रिटर्न नहीं फाइल करी है तो आज के बाद से आपका ई वे बिल जो है ब्लॉक कर दिया जाएगा जब तक आप अपनी रिटर्न नहीं फाइल करते। तो इस रूल के लिए भी डेट जो है 21 जून से बढ़ा करके दो महीने के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। दैट मीन्स कि अगर आप अपनी जीएसटी रिटर्न नहीं फाइल करते हैं तो अगले दो महीने तक आप तो ई वे बिल निकाल पाएंगे, उसके बाद ये जो नया प्रोसेस है ब्लॉकिंग ऑफ ई वे बिल अंटिल द रिटर्न इज फाइल्ड उसको भी एक्सटेंड करके दो महीने के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। तो ये भी एक काफी बड़ा रिलीफ दिया गया है जीएसटी के अंदर आम डीलर्स को और छोटे व्यापारियों को कि उनको ई वे बिल निकालने के लिए अब रिटर्न भरना जरूरी नहीं होगा फिलहाल दो महीने के लिए। अगला जो अपडेट निकल के आता है वो है नेशनल एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी से रिलेटेड। नेशनल एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी एस्टैब्लिश की गई थी जब जीएसटी इंप्लीमेंट हुआ था। जब जीएसटी इंप्लीमेंट हुआ था तो काफी सारे जीएसटी रेट्स जो हैं इस काफी सारे प्रोडक्ट्स पे रेट्स जो है वो रिड्यूस हुए थे। उस रिडक्शन की वजह से काफी सारे बड़े बिजनेस हाउसेस को जो है प्रॉफिट हो रहा था, तो उस प्रॉफिट को टैक्सेशन के साथ जोड़ने के लिए एक प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी बनाई गई थी जिसका काम था कि वो वैसे केसेस को चेक करे जहां पे रिड्यूस हो रहा है टैक्स, वो टैक्स का बेनिफिट जो है कंज्यूमर को पास ऑन हुआ या नहीं हुआ। उसका टाइम लिमिट जो है इस साल खत्म होने वाला था, इसीलिए उसके पीरियड को दो साल के लिए आगे बढ़ा दिया गया है ताकि उनको दो साल का और समय मिल पाए ऐसे केसेस को आइडेंटिफाई करने के लिए जहां पे प्रॉफिटियरिंग की गई है। तो NAA मतलब नेशनल एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी गिवन 2 years एक्सटेंशन टू चेक एंड टेक एक्शन ऑन द एंटी प्रॉफिटियरिंग केसेस। तो काफी सारे केसेस जो है एंटी प्रॉफिटियरिंग के दायरे में आते हैं इसीलिए इसको टाइम लिमिट बढ़ा करके दो साल आगे कर दिया गया है। अगला जो अपडेट है ये काफी इंपॉर्टेंट है एपेलेट ट्रिब्यूनल से रिलेटेड। जीएसटैट टू बी जीएसटी एपेलेट ट्रिब्यूनल स्टेट्स टू डिसाइड नंबर ऑफ जीएसटी एपेलेट ट्रिब्यूनल, मतलब अब हर स्टेट्स के अंदर एपेलेट ट्रिब्यूनल्स की जो है वो आप संरचना की जाएगी, उसके अंदर एस्टेब्लिशमेंट किया जाएगा। स्टेट्स को डिसाइड करना है कि आपको स्टेट्स के अंदर कितने जीएसटी एपेलेट ट्रिब्यूनल ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स वगैरह जो भी है आपको डिसाइड करना है कितने नंबर ऑफ जीएसटी टैट आपको चाहिए ताकि आप अपने केसेस को जो है फाइनली हैंडल कर पाए सही तरीके से। तो ये हो गया जीएसटी एपेलेट ट्रिब्यूनल से रिलेटेड बड़ा अपडेट। अगला जो अपडेट है वो भी नेशनल एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी से रिलेटेड है और इसके अंदर काफी बड़ा चेंज किया गया है। अभी जो प्रेजेंट लॉ है उसके अंदर एंटी प्रॉफिटियरिंग केसेस के लिए 25,000 की पेनल्टी जो है वो फिक्स की गई है, लेकिन अब इसमें बड़ा बदलाव किया गया है। 25,000 जो पेनल्टी है उसके साथ साथ 10% पेनल्टी इंट्रोड्यूस्ड फॉर नॉन पेमेंट विद इन 30 डेज इन केस ऑफ एंटी प्रॉफिटियरिंग। अगर आपका एंटी प्रॉफिटियरिंग करते हैं आप तो जो एंटी प्रॉफिटियरिंग का अमाउंट है उस अमाउंट के साथ साथ अगर आपने 30 दिन के अंदर पेमेंट नहीं किया तो 10% का पेनल्टी जो है वो एक्स्ट्रा आपको पेमेंट करना होगा। तो ये काफी बड़ा हार्डशिप दिया गया है जो भी एंटी प्रॉफिटियरिंग अमाउंट लेकर के बैठे हैं और उन्होंने अभी तक जो है अपना पेमेंट नहीं किया है। अगला जो अपडेट है वो है मंथली रिटर्न, जो न्यू रिटर्न सिस्टम है उससे रिलेटेड। इसके लिए बताया गया कि सिंगल रिटर्न फॉर्म पर मंथ फॉर द टैक्स पेयर्स अप्रूव्ड एंड टू बी इंप्लीमेंटेड फॉर ऑल फ्रॉम जनवरी 2020। जो सिंगल रिटर्न सिस्टम है न्यू रिटर्न्स के अंदर जीएसटी आरईटी 1 या सहज हो या सुगम हो या एएनएक्स 1 एएनएक्स 2 के साथ जो एक मेन रिटर्न आपको फाइल करनी है उसके फॉर्मेट्स को अप्रूवल दे दिया गया है और ये जो है फाइनली इंप्लीमेंट होगा जनवरी 2020 से। तो ये जो कुछ बेसिक डिसीजंस जो लिए गए हैं बड़े डिसीजंस उसके बारे में मैंने आपको बताया। बाकी जो डिटेल्स है डिसीजन की जो डिटेल्स आने वाली है वो जैसे ही अपलोडेड होती है आपके साथ भी उन सारी वीडियोस का आपको मिल जाएगा नोटिफिकेशंस अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल दबा रखा होगा। तो ये कुछ बड़े अपडेट जो कि आज की मीटिंग से निकल के आ रहे हैं ये आपके साथ शेयर करना जरूरी था क्योंकि काफी लोग जो है इस चीज को लेकर के परेशान थे कि जीएसटी की एनुअल रिटर्न की डेट बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। तो चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास ये इन्फॉर्मेशन पहुंच पाए और वो आप समझ पाए कि जीएसटी एनुअल रिटर्न और ऑडिट रिपोर्ट की डेट जो है 30 अगस्त हो गई है, अगर उसको फाइलिंग करना है तो अब वो अपनी फाइलिंग जो है थोड़ी तसल्ली से कर सकता है। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक रेगुलरली पहुंचती रहे। अगर आपने हमारे फेसबुक पेज और ट्विटर पेज पर फॉलो नहीं किया तो आप उसे भी फॉलो कर लीजिएगा, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।